नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्या दोस्तों, आपका इंटरनेट बहुत ही स्लो चलता है दोस्तों, तो दोस्तों बिल्कुल आशा करिए दोस्तों, यानी शांत रहिए दोस्तों। और मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा कि दोस्तों और इंटरनेट की स्पीड बढ़ाकर भी दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखिए दोस्तों। ऐसा क्या होता है कि दोस्तों आप कहीं पर इंटरनेट यूज करते हैं या आपका फ़ोन लैग करना लगता है दोस्तों, या फिर फ्री फायर खेलते हैं या दोस्तों आप पबजी खेलते हैं, जिस कारण पर आपको सर्वर सही से नहीं मिल पाता, यानी इंटरनेट स्पीड सही से नहीं मिल पाती दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर यकीन मानिए, मैं आपको तीन ट्रिक आपको केवल अपने ही फ़ोन पर लगानी है, यानी तीन सेटिंग अपने फ़ोन पर करनी है दोस्तों, जिस कारण आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी आपकी डाटा स्पीड दोस्तों। वो सेटिंग क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले दोस्तों साइट सेटिंग करनी होगी दोस्तों, सिंपली से क्रोम में जाना होगा दोस्तों। क्रोम पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल डैश पे आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो सिंपल से आपको साइट सेटिंग पे जाना होगा दोस्तों। यहाँ पर साइट सेटिंग में जैसे ही चले जाते हैं और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। फिर से आपको साइट सेटिंग पे क्लिक करना होगा इस जगह दोस्तों, ठीक है ना। स्पेस करते हुए यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पहली सेटिंग है जो आपको करनी है दोस्तों। तो ये क्या सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी है दोस्तों, ठीक है ना। तो सिंपल से आपको स्टोरेज पे चले जाना है दोस्तों। स्टोरेज पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी सारी के सारी साइट आ जाएंगी दोस्तों, जो जो अभी तक आपने फ़ोन पर आपने अभी सर्च करा के या ओपन की होंगी या दोस्तों खोजी होंगी दोस्तों। तो इस कारण पे क्या होता है दोस्तों, इस कारण पे आपकी स्पीड कम हो जाती है, वेरी स्लो हो जाती है दोस्तों, माना जाए तो बहुत ही स्लो हो जाती है। क्योंकि दोस्तों ये जितनी भी साइटें हैं दोस्तों ये सब बैकग्राउंड में रनिंग करती रहती हैं दोस्तों, और इस कारण आपको भरपूर यहाँ पर देख सकते हैं मेल सारा कुछ यहाँ पर जो साइट है वो सारी सारी बैकग्राउंड में रनिंग करती हैं, जिस कारण आपकी स्पीड जो इंटरनेट की वो सारी की सारी बढ़ जाती है, और जिस जगह आप इंटरनेट यूज करते हैं वहाँ पर पूरा का पूरा फोकस नहीं जा पाता, पूरी की पूरी स्पीड नहीं मिल पाती दोस्तों। तो दोस्तों ये जो पहली सेटिंग है दोस्तों, ये पहली सेटिंग आपको अपने फ़ोन पर करनी ही करनी है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्लियर साइट स्टोरेज पर क्लिक करना होगा दोस्तों, और क्लियर कर देनी होगी दोस्तों, सारी की सारी डाटा इसको क्लियर कर देनी होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट सेटिंग बता देता हूं, जो कि दोस्तों वो भी आपको अपने फोन पर करनी है दोस्तों। इसके बाद फिर आपको अपना इंटरनेट चलाना है दोस्तों, और फिर आपको यकीन मानिए कि दोस्तों आपकी स्पीड 100% बूस्ट होगी, यानी बहुत ही तेज से रफ्तार से आगे बढ़ेगी दोस्तों। तो सिंपल से आपको दूसरी सेटिंग क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो दोस्तों फिर से आपको इस ट्रिपल डैश पे क्लिक करना होगा दोस्तों। यो खाली मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, खाली खाली साइट जो दोस्तों गूगल पे आप सर्च करते हैं दोस्तों, वो सेटिंग बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। वो सेटिंग आपको करनी है दोस्तों, ठीक है ना। तो सिंपल से फिर से साइट सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ बैकग्राउंड साइन इन दोस्तों, यहाँ पर अलाउड है दोस्तों। अलाउड का मतलब कोई भी साइट आप यहाँ पर यूज करोगे, यूज करने के बाद ये बैकग्राउंड पर रनिंग करने लगी दोस्तों, इसे आपको यहाँ पर बंद कर देना है दोस्तों इसको, ठीक है ना। तो इसको मैं बंद कर दूँगा, इससे क्या होगा कि दोस्तों आपकी कोई भी जो साइट है बैकग्राउंड पर वो रनिंग नहीं करेगी, उसकी स्पीड नहीं मिलेगी, जहाँ पर आप इस इंटरनेट यूज कर रहे होंगे वहाँ पर आपको फुल यानी फोकस वाली स्पीड मिल पाएगी दोस्तों। तो ये सेटिंग आपको करनी है। चलिए तीसरी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको बैक करना है, ठीक है ना। बैक कर लेता हूँ मैं, और बैक करने के बाद फिर आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर दोस्तों आपको करना क्या है, सारा का सारा बैक कर लेना है, मैं सारा का सारा बैक कर लेता हूं दोस्तों। और जो एक सेटिंग है वो आपको करनी ही करनी है दोस्तों, वो आपको सेटिंग पे करनी है अपने, ठीक है ना। सेटिंग पे करनी है दोस्तों, यकीन मानिए आपकी स्पीड 100% बूस्ट होगी, यार मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने ऐसा किया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर डबल कार्ड सिम एनी पर क्लिक करना होगा दोस्तों। मेरा वीवो का फ़ोन है, इस वजह से ये आ रहा है दोस्तों। आपका कैसा भी फ़ोन हो, आपको सिम कार्ड मैनेजमेंट पर जाना होगा दोस्तों। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपको एक APN सेटिंग करनी होगी, जिस पर आप डाटा चला रहे हो, वो कोई एयरटेल हो या वोडाफोन हो या जियो हो दोस्तों, कोई भी ब्रांड का सिम हो दोस्तों। यहाँ पहले किसी के फ़ोन में लिखा होगा एक्सिस योर पॉइंट, वहाँ पर आपको सेटिंग सेव करनी होती है। मेरा यहाँ पर APN पॉइंट है दोस्तों, और मैंने यहाँ पर जो इंटरनेट सेटिंग लगा रखी है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर एयरटेल इंटरनेट सेटिंग है दोस्तों। अगर आप जियो यूज कर रहे होंगे या फिर वोडा यूज कर रहे होंगे या BSNL यूज कर, कोई भी सिम यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ पर लिख के आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो को फुल कंप्लीट एंड ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सेटिंग करनी है दोस्तों, खाली एक सेकेंड, और आपकी इंटरनेट स्पीड इतनी तेज हो जाएगी दोस्तों, 10 गुना तेज हो जाएगी दोस्तों। बस वीडियो को फुल कंप्लीट एंड ध्यान से देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ को बदलना नहीं है, खाली एक चीज़ बदलना है दोस्तों। यहाँ पर एक जो अपडेट है वो नया अपडेट आ चुका है, यानी दोस्तों सर्वर आपको चेंज करना होगा दोस्तों अपना, ठीक है ना। सर्वर खाली ये चेंज करना है, यहाँ पर आपको कुछ भी सेट नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, www.google.com,
इतना लिखने के बाद आपको इसको सेव कर देना है दोस्तों। बस दोस्तों ये ट्रिक आपको अपने फ़ोन पे लगानी है और फिर आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है और ऑफ करने के बाद फिर ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आप इतनी अपने इंटरनेट की स्पीड चेक करिए दोस्तों, फिर मुझे बताइए कमेंट में कि दोस्तों मैंने जेन्युइन एंड ट्रिक टियल ट्रिक बताया है या नहीं बताया, यानी प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार मसालेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।